आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपको दे दें। अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी प्रकरण को लेकर हुए इस्तीफे के बाद अब नियुक्तियां शुरू हो गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हाई लेवल की मंजूरी के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही एसएमएस अस्पताल अधीक्षक के पद का जिम्मा डॉक्टर सुशील भाटी को दिया गया है। जानकारी दे दें कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश जारी होते ही डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने जिम्मेदारी संभाल ली। इस दौरान डॉक्टर दीपक माहेश्वरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। देखिए, प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज की कमान डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को मिली है। वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनको एक अहम जिम्मेदारी बतौर कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में मिली है। हमारे साथ मौजूद है दीपक माहेश्वरी जी, उनसे बात करते हैं। दीपक सर, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है और इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उस वक्त मिली है जब पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो सवालों के घेरे में है। कैसे इस जिम्मेदारी को देखते हैं और इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और मेहनत से कोशिश करूँगा कि हम जो भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं करें। मैं इतने साल से इस अस्पताल में कार्य कर रहा हूँ, यदि सरकार मुझ में विश्वास व्यक्त करती है, सरकार और संगठन, तो मुझे उस पर खरा उतरने के लिए 100% कोशिश करूँगा मैं। सर, एक बहुत बड़ी दिक्कत ये सामने आती है कि आप प्रैक्टिशनर हैं, आपकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कार्डियोलॉजी में आपकी चलती है और अब आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है प्राचार्य की, दोनों में कैसे समन्वय बैठाएंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती है सर। ये कहने के लिए आपका धन्यवाद कि मेरी प्रैक्टिस चलती है, लेकिन समय के साथ साथ एडजस्टमेंट तो करना ही होता है और प्रायोरिटीज़ भी डिफरेंट है। यदि इस पद के लिए मुझे चुना जाएगा तो फिर मेरी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होगी। अब तक मैं डिफरेंट प्रायोरिटीज़ पे जो कार्य समाज और संगठन मुझको देता रहता है, मैं उसके हिसाब से अपना कार्य करूँगा। सर, SMS मेडिकल कॉलेज, अटैच अस्पताल, हर दिन नई समस्या, हर दिन नई चुनौती, कैसे देखेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे इनको? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल आपके अटैच रहेगा, उस अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेगी? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं और चुनौतियों का सामना ही करते रहते हैं हम लोग। यहाँ भी अस्पताल में भी इतने सालों से कार्य कर रहे हैं तो चुनौतियों का ही सामना किया है हम लोगों ने, लेकिन ठीक है, हम यहाँ पर जो कार्य करते हैं उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, बहुत सारे समाज का जीवन बेहतर होता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसके। सर, एक एंश्योर ये भी कर दीजिए कि जितनी भी घटनाएं हुई जिनसे कि अस्पतालों की छवि बिगड़ी, चाहे वो कांवटिया अस्पताल में खुले में प्रसव का मामला हो, जेकेलन अस्पताल में हाल ही में प्लाज्मा चोरी का मामला हो, फर्जी NOC प्रकरण हो, इस तरह के जो प्रकरण थे इन्होंने काफ़ी छवि खराब करी है इंस्टीट्यूशन की, तो इस छवि को वापस से पुनर्स्थापित करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे, किस तरह के नवाचार रहेंगे और टीम वर्क हो, क्योंकि बिना टीम वर्क के प्रिंसिपलशिप करना और बहुत बड़ी टास्क रहेगी सर। हाँ, डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति अकेला कार्य नहीं कर सकता, उसको कार्य करने के लिए टीम की ज़रूरत है और हमारे SMS में डेडिकेटेड डॉक्टर्स का एक पूरा दल है जो जिनकी मेहनत की वजह से ही SMS आज का नाम पूरे उत्तर भारत में है। उन लोगों में बहुत पोटेंशियल है तो हमें उन सबके साथ मिलकर काम करना हो। सर, SMS मेडिकल कॉलेज के अटैच SMS अस्पताल की बात करें, क्राउड कंट्रोल, भीड़, लोगों का उम्मीद और उम्मीदों में सेवाओं का अभाव, उनके बीच में जो गैप रहता है उसको पूरा करने के लिए क्या एक्शन प्लान? संभावनाओं पर खरा उतरने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अभी तक हम बहुत मेहनत कर भी रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ दीपक माहेश्वरी जी ने बताया कि किस तरह से पूरी चुनौती इसको मानते हैं जो नया पद मिला है उसको लेकर के, और साथ में ये कहा है कि सभी की टीम भावना के साथ काम करके इस चुनौती को वो अच्छे रास्ते पर लाएंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।